सफाई कर्मचारी का झाड़ू डाउन अभियान हुआ समाप्त, लिखित समझौते में हुआ फैसला। फैसले में गैर बाल्मीकि समाज के ऑफिस में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी करेंगे सफाई का कार्य, प्रमोशन में भेजे नामों को किया खारिज। डीडवाना नगर पालिका के बाहर 5 दिनों से झाड़ू डाउन अभियान चलाकर धरना दे रहे बाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के द्वारा लिखित समझौते के बाद धरना किया समाप्त। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार नील से वार्ता के बाद लिखित समझौते के बाद धरना हुआ समाप्त। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा 2 दिन पूर्व पदभार ग्रहण करते ही नगर पालिका में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में यह लिखा गया है कि नगर पालिका डीडवाना में कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारी के सेवा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु महेश कुमार चोयल वरिष्ठ सहायक प्रभारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कमेटी में 4 अधिकारी नियुक्त किए गए। चारों अधिकारी की देखरेख में कमेटी के द्वारा रिपोर्ट अधिशासी अधिकारी को सौंपी गई, जिसके बाद बुधवार को अधिशासी अधिकारी ने बाल्मीकि समाज के द्वारा सफाई कर्मचारियों से वार्ता की और लिखित समझौता करके धरना समाप्त करवाया। लिखित समझौते में लिखित में दिया गया कि शहर की सफाई व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पालिका में कार्यरत समस्त सफाई कर्मियों सफाई का कार्य ही करना सुनिश्चित करेंगे और उस आदेश को रूप से लागू करने की बात कही। वही दूसरे आदेश में नगर पालिका पत्रांक संख्या 385 दिनांक 19 अप्रैल 2022 के द्वारा सफाई कर्मचारी पद से चपरासी पद पर समायोजित करने के संबंध में जारी कर विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को भिजवाया गया था। उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इन आदेश के बाद में सफाई कर्मचारियों ने अपना झाड़ू डाउन अभियान समाप्त किया और सफाई के कार्य पर लौटे।